एवरीवन, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। अगर हम कोरियोलिस फोर्स के बारे में बात करें तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोगों को एक और टॉपिक के बारे में बात करना पड़ेगा जिसका नाम है यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हो उस वीडियो को, या फिर आई बटन से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं तो वहां पे कंफर्म आपको यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम का वीडियो मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को समझने के लिए एक बार हम एक्सप्रेशन वो लिखेंगे जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम में पढ़ा था, ठीक है। तो पहले तो एक बार देख लेंगे हम लोग कि हमारा ये यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम आखिर होता क्या है। अगर हम यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक बार हेडिंग जो है ना वो हम लिख लेते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे बेसिकली यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम। अब देखो यहाँ पे हम लोग तो ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेशन भी था, एक्सेलरेशन का डेरिवेशन हम लोग अच्छे से यहाँ पे देखे थे, लेकिन उसी से रिलेटेड हम लोग कोरियोलिस फोर्स के बारे में अच्छे से बात करेंगे कि ये कोरियोलिस फोर्स या फिर कोरियोलिस एक्सेलरेशन होता कैसे। इसको हम एक एग्जाम्पल के मदद से इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं ये होता क्या है। ये अगर हमारा एक फ्रेम है, मान लीजिए ये एक पार्टिकुलर फ्रेम है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द फ्रेम जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। और यहां पे एक और फ्रेम हम बना देते हैं इस जगह पे, ये एक्स है, तो यहां पे ये रोटेट, एक और फ्रेम जो होगा ये कुछ ऐसा होगा, ये थोड़ा सा रोटेट कर रहा होगा इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में, ऐसा रोटेट कर रहा होगा ये, इसका रोटेशन कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से हो रहा है जो कि आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इसका रोटेशन कुछ ऐसा होगा। इसको हम समझने के लिए कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, बेसिकली ये हमारा एक्स था, ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, जो ग्रीन से लिखे हैं, ठीक है ना। और जो येलो कलर से लिखे हुए हैं इसको भी हम लोग यहाँ पे एक्स डैश, सॉरी माफ कीजिएगा, एक काम करते हैं इसको यहाँ पे एक्स लिखते हैं, ठीक है। और ये एक्स डैश हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पे हम लोग इसको एक्स लिखेंगे, ये हमारा वाई होगा, ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा, और ये हमारा वाई डैश हो जाएगा, और ये हमारा जेड डैश हो गया, ठीक है। ये हम लोग बात कर लिए, बात समझ ही रहे होंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड का हम लोग क्लियरली समझ लिए, ये कौन से फ्रेम के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है इसको हम फिलहाल के लिए रब करते हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एक्स, ये वाई और ये हमारा जेड। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे क्या, इसको रोटेट करा करके देखेंगे ये बेसिकली हो क्या रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ये अगर हम रोटेट कराते हैं तो देख पा रहे ये हमारा सेम फ्रेम के साथ कोलाइड भी कर जाएगा, ये कुछ ऐसा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा ये रोटेट ऐसा होगा, ठीक है। बात समझ रहे इसका रोटेशन किस तरह से होने वाला है, ये समझ पा रहे हैं आप लोग, बोलिए हाँ या ना। ये रोटेशन यहां से यहां तक है, ठीक है, ये अगर यहाँ पे आ गया तो ठीक है सेम फ्रेम में है, ये रोटेट होकर के कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, रोटेट हो रहा है, क्लियर ना। अगर ये कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है ये फ्रेम, तो ये तो हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, नहीं, ये हमारा जो भी बात हुआ है ये एक जनरल तौर पे हम लोग बात किए हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे एक फ्रेम हमारा जो येलो वाला फ्रेम है इसको हम लोग एस डैश फ्रेम मान ले तो ज्यादा बेटर, ये हमारा जो फ्रेम होगा ये एस डैश फ्रेम होगा, और जो ग्रीन वाला फ्रेम है दिस विल बी आवर एस फ्रेम, और इसके रेस्पेक्ट में एक पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये अगर हम पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा पॉइंट कुछ ऐसा होगा, ये पॉइंट अगर रेस्ट में है, इनिशियली अगर रेस्ट में है तो ये एस फ्रेम के लिए, जो कि एस फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम भी कहते हैं, बेसिकली अगर हम एस फ्रेम का बात करेंगे ये हमारा इनर्शियल फ्रेम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग इनर्शियल फ्रेम का बात कर रहे हैं, और अगर हम एस डैश का बात करेंगे तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। क्यों इसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम कह रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम बात क्या किए,
नॉन इनर्शियल फ्रेम। व्हाई नॉन इनर्शियल फ्रेम? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये हुआ कि यहां पे जो हम फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, ये फ्रेम जो है रोटेट कर रहा है। अगर कोई भी फ्रेम हमारा रोटेट करे या फिर एक्सीलरेटिंग फ्रेम हो, रोटेशन का मतलब ही तो एक्सीलरेशन हुआ ना, कोई भी चीज घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, मतलब कि वहां पे एक्सीलरेशन होने वाला है। अगर वहां पे एक्सीलरेशन हुआ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे हमारा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। तो येलो वाला हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है। यहाँ पे ये एक पॉइंट है। तो एक बात बताइए, अगर एस फ्रेम मूव कर रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो हमारा पॉइंट है जिसको हम लोग पी कह रहे हैं, ये पॉइंट भी तो मूव करेगा ना, रोटेट करेगा ना, इसको ऐसा फील होगा। ठीक है, फिलहाल ये रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में ना हो, ये मूव करने लगे, तो उस समय जो ये मूव करेगा तो कुछ ना कुछ इसमें एक्सेलरेशन होगा। तो एस फ्रेम से क्या इसका एक्सेलरेशन होगा और एस डैश फ्रेम से क्या एक्सेलरेशन होगा, उसका एक एक्सप्रेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, जो कि हम लोग यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम में देखे थे। चलिए उस फॉर्मूला को एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हम उस फॉर्मूला के बारे में बात करते, माफ कीजिएगा, ये हम लोग बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट पेज में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला हुआ था, एस क्या था, एस डैश क्या था, ये उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था, वो समझना बहुत बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है ना, तो हम उसी के बारे में अभी बात करेंगे कि हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था वो आखिर आया क्या था। हम यहाँ पे लिखेंगे ए डैश के बारे में, यहाँ पे लिख देते हैं ए डैश को, हम लोग येलो कलर से लिखे तो ज्यादा बेटर। ए डैश लिखेंगे, ए डैश हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस के फॉर्म में। ठीक है, ए डैश को हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, माइनस टू एम, सॉरी एम तो यहां पे नहीं होगा अभी फिलहाल के लिए, यहां पे ओमेगा लिखेंगे, क्रॉस भी लिखेंगे। ठीक है, इस वैल्यूज को आप बहुत ध्यान से देखते चलिए कि हम यहाँ पे कह क्या रहे हैं। ये वी डैश होगा। अब वी डैश क्या है, सब कुछ हम एक बार एक्सप्लेन तो करेंगे ही। प्लस ओमेगा क्रॉस, ओमेगा क्रॉस आर। अब यहाँ पे समझना है, ठीक है, यहाँ पे फिर से अगर हम वो फ्रेम बनाना चाहेंगे तो हम फिर से बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हम इस फ्रेम को फिर से अब माफ कीजिएगा, फिर से इसको हम बनाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेम कुछ ऐसा बनेगा, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, उसी फ्रेम को यहाँ पे एक बार कॉपी पेस्ट करने से बेटर है कि हम एक बार ड्रॉ ही कर ले। ठीक है ना, ये हमारा कुछ ऐसा हो गया, एक एक्स एक वाई एक जेड। ठीक है ना, दिस विल बी ए जेड, और यहाँ पे येलो कलर से अगर हम बनाते हैं तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये थोड़ा सा रोटेट किया जी, और ये हमारा वाई हो जाएगा और ये हमारा जेड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई और ये हमारा जेड, ये हम ग्रीन कलर से लिखे हैं, और येलो कलर से एक्स प्राइम, ये हमारा वाई प्राइम और ये हमारा जेड प्राइम, ये हमारा रोटेट कर। अब यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं, ये हमारा पी होगा। ठीक है, अब इस पी को बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग, इसको हम यहाँ पे बनाएं। अब इस पॉइंट पी को हम एस फ्रेम से भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक एस फ्रेम है और ये हमारा एस डैश फ्रेम है। ठीक है, एस डैश फ्रेम जो डैश वाला फ्रेम है वो हमारा एस डैश है और ये हमारा एस फ्रेम है, इसको हम एस फ्रेम से भी देख रहे हैं और एस डैश फ्रेम से भी देख रहे हैं। एस डैश फ्रेम से देखेंगे तो ये हमको रोटेट करता हुआ दिखेगा, लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये पॉइंट पे कुछ फोर्स लगा और ये मूव करने लगा। ठीक है ना, अगर ये मूव करने लगा तो एस डैश फ्रेम से इसका एक्सेलरेशन कितना दिखेगा, वो ये है। ए क्या है, इसको हम लोग, सॉरी यहां पे एक और चीज लिखना चाहिए था, यहां पे हम लोगों का माइनस ही होगा। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे येलो कलर से, ये हमारा माइनस ही होगा, और यहां पे समझना है इसको कहते क्या है, इसका नाम क्या है, ये हम बता दे रहे हैं। बेसिकली इसको हम ऐसे लिखने से बेटर रहेगा कि हम इसको कुछ इस तरह से लिखें,
इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। ध्यान से देखिए, यहां पे हम लिखते क्या है, वेट। इसको हम लोग ए डैश को हम लोग क्या लिखेंगे, ए डैश फ्रेम हो जाएगा हमारा बेसिकली। ए डैश फ्रेम विल बी इक्वल टू, ये हमारा एक्सीलरेशन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम, ऑब्जर्व्ड किसका एक्सेलरेशन, पी का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ पी लिखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेशन ऑफ पी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम, ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एस डैश फ्रेम, ठीक है। ये हमारा ए डैश था, ठीक है। अब यहां पे ए के बारे में बात करेंगे। अब ये सारा चीज को हम रिलेट करेंगे, अभी बहुत ध्यान से देखिएगा। ये तो हम इस पार्टिकुलर फिगर से समझने का कोशिश कर रहे हैं, और ये क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ पी ऑब्जर्व फ्रॉम एस फ्रेम हो जाएगा, मतलब कि इनर्शियल फ्रेम का बात कर रहे हैं। और वहीं पे ये जो हमारा ओमेगा होगा, ये जो रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और यहां से यहां तक का जो वेक्टर है वो हमारा आर है। तो बाकी आपको समझ में आ गया कि ओमेगा क्या है, आर क्या है, और ये वी डैश का अगर हम बात करते हैं तो वी डैश कुछ और नहीं है हमारा, ठीक है ना, वेलोसिटी है ऑब्जर्व फ्रॉम एस डैश फ्रेम। वेलोसिटी ऑफ पी ऑब्जर्व फ्रॉम एस डैश फ्रेम, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी होगा ना, अगर ये घूमेगा तो ओमेगा क्रॉस आर जो भी है, ये हमारा वेलोसिटी ऑब्जर्व फ्रॉम एस डैश फ्रेम हमारा कुछ ऐसा लिख दिया। अब इस चीज को थोड़ा डेप्थ में समझने के लिए, ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया एक्सीलरेशन। इसी में अगर हम मास मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये फोर्स में बदल जाएगा कंप्लीटली। तो चलिए इसको हम बदल देते हैं फोर्स में, दिक्कत ही क्या है, ठीक है। तो फोर्स में हम इसको अगर हम बदलते हैं तो ये कुछ ऐसा लिखाएगा, एम इंटू ए डैश, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू एम इंटू ए माइनस टू एम इंटू ओमेगा क्रॉस वी डैश वेक्टर से, ये सॉरी माइनस ओमेगा क्रॉस आर से, ये सॉरी आया ना, में जवाब दे दीजिए, इस बात से सहमत हैं। इसको हम लोग कहेंगे एफ डैश, दिस विल बी इक्वल टू एफ, दिस विल बी आवर कोरियोलिस फोर्स। इसको एज इट इज लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे एज इट इज, ठीक है। माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस ओमेगा क्रॉस आर, इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या है हमारा, ये जो पूरा माइनस के साथ ये जो वैल्यू आया हुआ है, दिस इज आवर कोरियोलिस फोर्स। ये हमारा एक्सप्रेशन हम लोग यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम से पढ़े हैं, और ये जो आया ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, ठीक है। ये दो, अब ये फोर्स एक्ट कब करता है, देखो अगर हमारा फ्रेम रोटेट कर रहा है तब तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब ये फ्रेम रोटेट करने का मतलब क्या हुआ क्या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। मतलब कि एक फ्रेम हमारा रोटेट करेगा और दूसरा फ्रेम हमारा रेस्ट में रहेगा, एक इनर्शियल फ्रेम रहेगा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम रहेगा। चलिए इस चीज को बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। अगर हम यहां पे एक एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ठीक है, यहां पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक टर्न टेबल बनाते हैं। क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, एक टर्न टेबल। टर्न टेबल पता है आप लोगों को क्या होता है क्या नहीं, टर्न टेबल कुछ ऐसा टर्न टेबल बना है, ध्यान से देखिएगा इस टर्न टेबल को। ओह माफ कीजिएगा, ये हमारा टर्न टेबल कुछ ऐसा होगा, ठीक है नहीं। अब ये हमारा टर्न टेबल कुछ ऐसा है, ठीक है, इसको हम नीचे से इस फ्रेम को ऐसे करके फ्रेम कर देते, ठीक है। ये हमारा टर्न टेबल कंप्लीटली कुछ ऐसा बन जाएगा। ये अगर टर्न टेबल हमारा ये है तो इसका एक्सिस कहीं ना कहीं इस जगह से होने वाला है, ये इसका एक्सिस होगा, और इसका ये अगर एक्सिस हुआ तो ये कुछ इस तरह से रोटेट करेगा जो कि इसका ओमेगा होने वाला है, बोलिए हाँ या ना। ये इसका टर्न टेबल का ये एक्सिस होगा, ये रोटेट करेगा।
यहाँ पे ये टर्न टेबल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगा। और ये बहुत बड़ा टर्न टेबल है जो कि घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है ना, ये ओमेगा से घूम रहा है। जैसे कि हमारा एस डैश फ्रेम घूम रहा था, वैसे ये ओमेगा से घूम रहा है। यहाँ पे एक आदमी को हम बैठा दिए, ठीक है, इस जगह पे बैठा क्या दिया, खड़ा कर दिए, ठीक है। यहाँ पे ये आदमी हमारा खड़ा हो गया, ये रेस्ट में है, तो इसका नाम हम रख देते हैं, जो रेस्ट में खड़ा है इसका नाम हम झामू रखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारा एक मित्र है झामू, हम यहाँ पे इसको खड़ा कर दिए। यहाँ पे एक अपने मित्र को हम बैठा दिए, ठीक है, एक हमारा एक मित्र है जिसको हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बैठा दिए इसको, ये इस जगह पे बैठ गया और ये लगातार घूमेगा, इस डायरेक्शन में घूमेगा, ये बोलो हाँ या ना, ओमेगा से ये घूमेगा गोल गोल। तो झामू के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ये जो फ्रेंड है इसका नाम हम रख देते हैं, इसका नाम हम नीचे लिख देते हैं, इसका नाम है हमारा तरुण, ठीक है। टर्न टेबल पे बैठने वाला जो दोस्त है वो हमारा तरुण है, ठीक है, और ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है ना। अब एक रोटेटिंग फ्रेम का बात करें तो तरुण हमारा रोटेटिंग फ्रेम में है, ठीक है, तरुण हमारा कैसा फ्रेम में है, रोटेटिंग फ्रेम में, ठीक है। और झामू भी हमारा एक फ्रेम में है, तो ये हमारा जो है इनर्शियल फ्रेम में है, इसका अगर हम फ्रेम का बात करेंगे ये इनर्शियल फ्रेम होगा, उम्मीद करते हैं ये बात समझ रहे होंगे। और तरुण नॉन इनर्शियल फ्रेम, बात समझ रहे हैं, तरुण हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। अगर हमारा झामू इनर्शियल फ्रेम में है, तरुण नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो ये अगर घूमेगा तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा तो मोशन में दिखेगा। अभी तक हम पार्टिकल का बात नहीं किए, ठीक है। अब एक पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, अगर हम पार्टिकल का एक बात करते हैं, मान लेते एक बॉल है, ये घूम भी रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है, या फिर इसको हम यहाँ पे एक बॉल को रखते हैं, ठीक है, इस जगह पे हम बॉल को रखते हैं, बॉल को हम यहाँ पे नहीं रखते हैं, बेसिकली बॉल को हम साइड में कहीं रखते हैं, नीचे पे एक बॉल गिरा हुआ है, ठीक है, कहीं भी एक बॉल गिरा हुआ है, ठीक है, इसको आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि बॉल यहाँ पे इस तरह से गिरा हुआ है। अगर बॉल यहाँ पे गिरा हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है इसके लिए, तरुण के लिए ये बॉल रेस्ट में रहेगा क्या, क्योंकि तरुण तो खुद घूम रहा है, तो बॉल का पोजीशन भी तरुण के लिए लगातार बदलता रहेगा। लेकिन झामू के लिए इस बॉल का पोजीशन कांस्टेंट है, जैसे कि पुराना फ्रेम में एस डैश फ्रेम से पी का पोजीशन सिर्फ कांस्टेंट था, कोई भी इसमें बदलाव नहीं आ रहा था, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब इसी फ्रेम को हम क्या करते हैं, इसी बॉल को ले जाकर के तरुण को अगर हम दे देते हैं, तो अगर ये बॉल तरुण के पास आ गया, मतलब कि तरुण के साथ बॉल भी मूव करा, तरुण के रेस्पेक्ट में अब बॉल रेस्ट में है, लेकिन झामू के रेस्पेक्ट में बॉल अब मूव करने लगा गोल गोल, ठीक है। अगर बॉल गोल गोल मूव कर रहा है झामू के रेस्पेक्ट में, तो झामू के रेस्पेक्ट में अगर बॉल गोल गोल मूव करेगा तो बॉल पे एक सेंट्रिपिटल फोर्स तो कंटिन्यूअसली लगेगा ना, क्योंकि ये बॉल गोल गोल घूम रहा है। तो अगर बॉल पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, अगर ये गोल गोल सिर्फ घूम रहा है, अगर बॉल रेस्ट में रहे, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे, तो भी सेंट्रिपिटल फोर्स तो लगना है उस पे, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उस बॉल पे अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स आप लगा दिए, ये टर्न टेबल पे बॉल घूम रहा है, ये इनिशियली रेस्ट पे था, लेकिन अगर आप इस पे इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए, कि ये बॉल सीधा जाकर के इधर टर्न कर जाएगा, ये कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पे एक कोरियोलिस फोर्स अब एक्ट करेगा, इस पे क्या एक्ट करेगा, कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा, इस चीज को समझना है, अब बहुत ध्यान से समझना है। जब तरुण यहां पे बैठा हुआ था तो तरुण झामू दोनों का फ्रेम अलग अलग था, तरुण नॉन इनर्शियल फ्रेम में था और झामू इनर्शियल फ्रेम में था, तो झामू के रेस्पेक्ट में ये बॉल घूम रहा था, तो झामू के रेस्पेक्ट में अगर बॉल घूमेगा तो एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा ना, तो आप एफ यहां पे। लेकिन अगर हम तरुण के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो तरुण के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो तरुण अगर बात करें, तरुण का अगर हम फोर्स का बात करें, तरुण जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, देखेगा इस बॉल के प्रति, तो क्या दिखेगा कि ये जो फोर्स झामू देख रहा है, वो फोर्स झामू का फोर्स से अगर कोरियोलिस फोर्स हटा दे और सेंट्रिपिटल फोर्स हटा दे, तो क्या कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रिपिटल फोर्स झामू तो देख सकेगा, ठीक है ना, सेंट्रिपिटल फोर्स भी झामू देख पा रहा है, लेकिन तरुण सेंट्रिपिटल फोर्स देख पाएगा क्या, नहीं देख पाएगा, जिस कारण से झामू के फोर्स से ये दोनों को माइनस किया गया है।
अगर हम सिंपली झामुक का फोर्स का बात करेंगे तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। तो झामुक कौन कौन सा फोर्स देख रहा है? ये तरुण का फोर्स तो देख ही रहा है, तरुण पे भी तो एक फोर्स लग रहा होगा ना, क्योंकि ये घूम रहा है तो। और रोटेटिंग फ्रेम है ना, एक्सलेटिंग फ्रेम है, तो एक्सलेटिंग फ्रेम पे इसका कुछ ना कुछ फोर्स इस पे लग रहा होगा, तो वो एफ डैश हो गया, ठीक है ना। और साथ ही साथ बॉल पे भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, बात समझ रहे हैं। बॉल पे अगर फोर्स लग रहा है तो बॉल पे एक सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है, उसको भी झामू ऑब्जर्व कर रहा है। और बॉल पे कोरियोलिस फोर्स, बॉल को सीधा तरुण ने फेंका और ये बॉल टर्न इधर कर गया, इसको भी कौन देख रहा है? झामू देख रहा है। तो ओवरऑल सारा अगर हम इसको लिखें, एफ इज इक्वल टू एफ डैश माइनस इतना। लेकिन हमको देखना है तरुण के रेस्पेक्ट में, तरुण के रेस्पेक्ट में यहां पे जो फोर्स लगेगा कोरियोलिस फोर्स, वो नेगेटिव एम टू एम ओमेगा क्रॉस वी डैश होता है। ये इसके रेस्पेक्ट में जो इसका वेलोसिटी था और इनटू ओमेगा, दोनों को अगर प्रोडक्ट कर देंगे, ये कुछ वेलोसिटी से नीचे वेलोसिटी से जा रहा होगा, उसका प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा कोरोलिस फोर्स का वैल्यू आ जाएगा कि कितना स्पीड से वो किधर टर्न करेगा, कितना फोर्स के साथ वो टर्न करेगा। तो उस बॉल पे कितना कोरोलिस फोर्स लग रहा है, ये समझ में आया कि कोरोलिस फोर्स तब लगता है जब एक्सीलरेटिंग फ्रेम में, ये जो एक्सीलरेटिंग फ्रेम है, ये जो घूम रहा है, ठीक है ना, ये एक्सीलरेटिंग फ्रेम में हमारा क्या हो जाए, घूमता हुआ फ्रेम में अगर ऐसे गोल गोल कोई घूम रहा है, ऐसे फेंक रहे, तो वो साइड में चला जाएगा, उस पर एक फोर्स लग जाएगा। तो एक्सीलरेटिंग फ्रेम में भी अगर आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, बॉल बॉल इनिशियली रेस्ट में था, लेकिन उस पर भी अगर आप एक्सटर्नल वेलोसिटी दे देते हैं, उसको अगर मूव कराते हैं, तो उस पर एक फोर्स आएगा। इधर आप इसको वी डैश वेलोसिटी से दिए, तो ये वी डैश वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? तरुण के रेस्पेक्ट में। तरुण के रेस्पेक्ट में इस बॉल का वेलोसिटी वी डैश है, रेस्ट था तब तक ठीक ठाक था, तब तक सिर्फ सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा था, लेकिन अगर इसको वेलोसिटी भी दे दीजिएगा रोटेटिंग फ्रेम में ही, तो एक और फोर्स एक्ट करता है जिसको कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। ये नॉर्मल जो आपका फिजिक्स है, जहां पे हम इनर्शियल फिजिक्स न्यूटन लॉ से एकदम हट के है, क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी न्यूटन लॉ में पढ़े थे वो इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात की थी, यहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम है। जैसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम आएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सेंट्रिपिटल फोर्स आ जाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब एक्सेलरेटिंग फोर्स, एक्सेलरेटिंग का मतलब कोई भी गोल गोल घूमेगा, बात समझ रहे, एक फ्रेम है जो कि गोल गोल घूम रहा होगा, अगर गोल गोल घूमेगा तो वहां सेंट्रिपिटल फोर्स एक ऑटोमेटिक आ जाएगा पहले ही। अगर बॉडी रेस्ट में, बॉडी रेस्ट में है तो सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट करेगा, बॉडी अगर मोशन में आया, वेलोसिटी कुछ मिला, तो उस पर कोरियोलिस फोर्स भी एक्ट करने लगेगा, जिस कारण से जो हमारा पृथ्वी घूमता है गोल गोल। तो ये डायरेक्शन समझ में आया ना, एग्जांपल समझ में आया कि कोरियोलिस फोर्स को हम थोड़ा सा समझाने का कोशिश किए कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन ऑब्जर्व करेगा? झामू। ये फोर्स कौन ऑब्जर्व करेगा? तरुण। तो तरुण कितना फोर्स ऑब्जर्व कर रहा है? जितना झामू ऑब्जर्व किया उसमें से झामू जो ऑब्जर्व करेगा, झामू तो सारा फोर्स ही ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है ना, उसको तो सब दिखेगा। तो झामू जो ऑब्जर्व किया, उस टोटल फोर्स में से हम अगर कोरियोलिस फोर्स घटा दे, सेंट्रिपिटल फोर्स घटा दे, तो उतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तरुण, तरुण को उतना फोर्स दिखेगा, ठीक है, क्योंकि तरुण को सेंट्रिपिटल फोर्स भी नहीं पता चलेगा और कोरियोलिस फोर्स का भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये खुद ही हमारा एक्सिलरेटिंग फ्रेम में है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तरुण के बारे में समझ में आया? ये जो भी बात बताया गया, ये उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यही है हमारा कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही लगता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में रेस्ट में रहा तो सिर्फ सेंट्रिपिटल फोर्स, लेकिन मोशन में आ गया तो कोरियोलिस फोर्स लगेगा, ठीक है, मोशन मतलब वेलोसिटी वी डैश अगर आ गया तो। ये बहुत आसान है समझना, इसको बहुत बहुत आसान है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपको बताया गया ये समझ में आए, और अर्थ के केस वाला जो हम बात बता रहे थे, ठीक है, ये जो बात बताया यहां तक तो समझ में आया, इसका जो अर्थ के केस में, चलिए अर्थ का केस भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम लोग अर्थ के बारे में बात करें, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक पृथ्वी है, हम अपने से कुछ पृथ्वी बनाने का कोशिश करेंगे, अरे आ जाओ यार, ठीक है। तो पृथ्वी कुछ ऐसा है, मान लीजिए गोल है पृथ्वी, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ ना कुछ ये वैल्यूज होंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा इक्वेटर के जैसा होगा और यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा करके होने वाला है, यहाँ पे कुछ ऐसा करके होने वाला है, सीधा यहाँ पे इक्वेटर होता है, ये तो आप समझते होंगे। और मान लीजिए ये तो ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड होकर के घूमता है, मान लेते हैं कि ये कुछ इसका एक्सिस ऐसा है, ठीक है, इस पार्टिकुलर एक्सिस में ये गोल गोल घूमेगा, ठीक है, ये पार्टिकुलर एक्सिस में ये गोल गोल घूमने वाला है, ये पार्टिकुलर एक्सिस है जो कि ये गोल गोल घूमेगा, सॉरी,
ठीक है, अगर इस पार्टिकुलर एक्सिस में ये गोल गोल घूम रहा होगा तो अर्थ हमारा एक्सिलरेटिंग फ्रेम में है, क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है, रोटेट कर रहा है अर्थ। अगर अर्थ रोटेट कर रहा है, अगर रोटेटिंग फ्रेम में यहां से हवा, मान लो कि इधर, यहां से एक्सिलरेटिंग फ्रेम में ये गोल गोल घूम रहा है, ये हवा मान लो कि इधर आना चाह रहा होगा, ठीक है, ये सीधा अगर हवा चला, ठीक है, तो सीधा हवा चलने के कारण इस पे कोरोलिस फोर्स लगेगा, जिसके कारण इसका टर्न इधर कर जाएगा, बोलो भाई, ये इस तरह से टर्न कर जाएगा, इस पे कोरोलिस फोर्स लगेगा। देखो, जब हवा रेस्ट में था, मान लो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल रेस्ट में, तो सेंट्रिपिटल फोर्स तो कॉन्स्टेंटली इस पे लगता रहेगा, क्योंकि गोल गोल घूम रहा है, सेंटर के तरफ तो एक फोर्स कॉन्स्टेंटली लगता रहेगा, इस पार्टिकुलर एक्सिस में जो हमारा गोल गोल घूम रहा है तो उस पे सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा। लेकिन अगर ये मोशन में आगे की ओर बढ़ गया तो उस पे एक कोरियोलिस फोर्स लगेगा, जिस कारण से हवा का डायरेक्शन जो है ना, वो भले नॉर्थ से साउथ की तरफ बह करके आता है, लेकिन थोड़ा सा उसका दिशा बदल जाता है। ये जो दिशा हवा का बदलता है वो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स होता है, और ये जो दिशा बदलने के कारण ही बहुत समय साइक्लोन्स हम लोग देख पाते हैं। बात समझ रहे हैं? ये साइक्लोन्स जो होता है हाई प्रेशर लो प्रेशर के कारण तो होता ही है। मान लीजिए कि यहाँ का प्रेशर लो प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भी अगर जा रहा है, मान लो कि यहाँ पे भी अगर हवा कुछ इस दिशा में जाएगा तो ये इसका डायरेक्शन ऐसा चेंज कर जाएगा। बात समझ रहे हैं? इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, ये थोड़ा सा सीधा तो जाएगा नहीं, तो क्यों, इस पे एक कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा। मतलब कि एक्सिलरेटिंग फ्रेम में अगर हमारा पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ मूव करे तो ही कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन फ्रेम कैसा होना चाहिए, एक्सेलरेटिंग फ्रेम या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम। उम्मीद करते हैं जो भी आपको बताया गया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, ठीक है। और अगर आप अभी तक ल्यूमेंस अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड कीजिए, वहां पे भी आपको सारे वीडियोज का लिंक मिल जाएगा, सब कुछ कंप्लीट डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ठीक है ना, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि जो भी वीडियोस हमारा आएगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा आपको, मजा आएगा फिर, ठीक है ना। तो वो काम कीजिए और साथ ही साथ सपोर्ट कीजिए, ठीक है, बने रहिए, और आप लोग के लिए हम इस तरह से वीडियोज डालते रहेंगे। और कहीं भी समझने में अगर दिक्कत हो तो जरूर पूछिए कि कहाँ डाउट हुआ क्या नहीं, ठीक है। इस वीडियो के साथ हम बार बार बोलेंगे कि एक बार आप लोग यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम को भी जरूर देखिए, वहां पे डेरिएशन समझ में आएगा, वहां पे भी रोटेटिंग फ्रेम का बात था, यहां भी हम रोटेटिंग फ्रेम को एक्सप्लेन किए, उसके बाद कोरोलिस फोर्स किस तरह से एक्ट करता है उसके बारे में भी बात की, ठीक है ना। तो ये रोटेटिंग फ्रेम, टर्न टेबल हमारा रोटेट कर रहा है तो उसका दो फ्रेम होगा, एक जो टर्न टेबल के बाहर है, एक टर्न टेबल के अंदर है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल से उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ये बात समझ में आया होगा। अगर ये बात समझ में आया तो चलिए वेरी गुड, और अगर नहीं भी आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, उस चीज पे हम एक डाउट क्लास करके एक अलग से भी एक वीडियो हम डाल देंगे, शॉर्ट्स डाल देंगे, ठीक है, जिससे आपको आसानी आसान होगा कि इस चीज को आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डाउट क्लियर करने के लिए 1 मिनट चाहिए ना, लेकिन आपको अपना प्रॉपर डाउट बोलना पड़ेगा कहाँ पे आपको डाउट हुआ है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है नहीं सर हमको पूरा वीडियो ही समझ में नहीं आया, तो उसके लिए तो पूरा आपको यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम समझना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर के देख लीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।